काफी परेशान हो चुके हैं, एक एक पैसे से परेशान है, कोई कामकाज नहीं है, कुछ नहीं है किसी भी तरह का। और अमरोहा के अधिकारियों से, अमरोहा के नेताओं से सबसे हमारी गुजारिश है कि हमारे जाने का इंतजाम करो, वरना आप रोड पे आने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई भी रास्ता नहीं बचा। और हर आदमी से कह के थक गए हैं, खाने तक के लाले पड़ गए हैं, और हमारी जल्दी से जल्दी मदद करो। सभी अमरोहा के नेताओं से हमारी गुजारिश है और सभी प्रशासन से। उत्तर प्रदेश के जिला भदोही से अमरोहा के बुनकर कालीन जो मजदूर है, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद अमरोहा के जो समाज सेवी है और मोमिन अंसार सभा के प्रदेश महासचिव है यासिर अंसारी, इनसे मैं बात करने के लिए तैयार हूं, जो बुनकर समाज से ही आते हैं और बुनकर समाज के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं, कालीन मजदूरों के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं, जो यहां के भदोही के में बुनकर फंसे हैं अमरोहा के लगभग 300 के करीब। इन्होंने गुहार लगाई है जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं से कि उनको निकालने के लिए, वहां से अमरोहा लाने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। तो जैसे कि जो बुनकर समाज है उससे जुड़े बहुत से काम यासिर अंसारी करते रहते हैं, तो इनसे हम जानेंगे क्या बुनकर समाज के जो कारीगर हैं उनको लाने के लिए ये कोई मुहिम चला रहा है, क्या इन्होंने वहां के जिला प्रशासन से या स्थानीय प्रशासन से कोई बात की है? जी यासिर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो मजदूरों का एक वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद आपकी तरफ से कोई कोशिश उनको अमरोहा लाने की गई है? वीडियो हम तक आया था, उसके बाद हमने उस वीडियो को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी साहब को भेजा और उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया। उसी दिन 30 अप्रैल की रात को ट्वीट किया था और इसकी सूचना हमने अपनी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता परम आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी उचित माध्यम से दी थी। तो उसका जो असर था वो ये हुआ कि अगले दिन 1 अप्रैल की सुबह में वहाँ भदोही जनपद के स्थानीय प्रशासन ने जो है वो करवट ली और वो हमारे बुनकरों के पास पहुँचे और उन्होंने उसकी जानकारी ली। और इसी तरह जो प्रियंका गांधी जी ने दिशा निर्देश दिए तो उस पर हमारे भदोही जनपद के जिला अध्यक्ष और वहाँ के कांग्रेसी जन भी वहाँ पहुँचे, उनका हालचाल जाना। अब इस समय जो है प्रक्रिया चल रही है और उन लोगों को अमरोहा लाने की तैयारी चल रही है, लिस्टें बनाई जा रही हैं। लगभग 300 के आसपास मजदूर जो हैं वो अमरोहा ज़िले के भदोही में इस समय हैं और वो सभी लोग परेशान थे, मगर अब जो है कुछ थोड़ा उनको खाने पीने की व्यवस्था हुई है, मगर मेन समस्या जो उनकी है वो खाने पीने की नहीं है, बल्कि वो अपने परिवार से अलग हैं और वो लगभग 40 दिन से बिल्कुल खाली हैं और जो उनकी जमा पूंजी थी वो खर्च कर चुके हैं, तो वो अब अमरोहा आना चाहती हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया और उसके बाद अपने अधिकारियों को वहाँ भेजकर वहाँ का हालचाल जाना। अब मेरा निवेदन है कि आपने जिस तरीके से हालचाल जाना है अगली कार्रवाई उसमें ये की जाए कि जो हमारे अमरोहा जनपद के बुनकर मजदूर हैं उनको अमरोहा सकुशल बुलाया जाए। देखिए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मजदूरों की हिमायत के लिए जहां पर अमरोहा के समाज से भी आए गए हैं, वहीं पर जो भदोही का स्थानीय प्रशासन है उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि इस पर जरूरी कार्रवाई करते हुए मजदूरों को वापस भेजा जाएगा। अब देखना यह है कि कब तक ये कार्रवाई होती है और इन मजदूरों को अमरोहा वापस भेजा जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।